हूं, इसका आंसर निकालना है। आपके पास ना अमाउंट दे रखा है 10,500। क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। आपको टाइम दे रखा है, एक मिनट, 11,500। ठीक है, आपके पास टाइम दे रखा है 3 इयर्स का। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है या फिर फाइंड करना है SI। ये है, बताओ। दोनों ही को फाइंड करना, अगर एक निकल गया तो दूसरा इजी है। निकालो जरा, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, SI दे रखा है, तुक्का कोई नहीं मारना, लॉजिकल मुझे इसका आंसर चाहिए। निकालो जरा। अभी तक हमने देखो, अगर हम प्रिंसिपल में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या रहता है, या तो अमाउंट में से SI को माइनस करो। अब SI तो है नहीं, कैसे होगा? दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में RT। SI तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे होगा? SI नहीं है ना। दूसरा कंडीशन, मैंने कहा प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपके सामने ये दो फॉर्मूले, दोनों ही फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? SI चाहिए, चाहिए SI, जो कि SI हमारे पास नहीं है। अच्छा, मैंने पहले कह दिया आपको SI निकालना है, तो SI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? PRT अपॉन P है ऊपर कहीं, तो ये भी फेल हो गया, ये भी नहीं निकल सकता। दूसरा SI निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है कहीं पर? नहीं है। तो इसका मतलब सारे फॉर्मूले फेल हो गए यहाँ पे। एक भी फॉर्मूले में हमें अगर प्रिंसिपल निकालना है तो SI चाहिए, SI निकालना है तो प्रिंसिपल चाहिए, जो कि दोनों में से कोई दे नहीं रखा है। अब क्या करेंगे? दो तरीके, या तो हम यहां पर, अगर देखिए मैं कहता हूं पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है, चलो हम पहले क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल निकालेंगे। तो दो तरीका है आपको, इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको करने का। पहले सिंपल तरीका देख लो, हम यहां पे ना SI को एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि SI क्या है, एक्स है। SI अगर एक्स है तो प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस एक्स हो जाएगा। SI अगर एक्स है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? यहां से अमाउंट माइनस SI की जगह एक्स डालिए। अब लगा लो ये वाला फॉर्मूला, देखो पी की जगह क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स करेंगे। अब इस SI की जगह क्या रखेंगे? एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R and T। देखो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की तो वैल्यू अभी तक आई नहीं हमारे पास। अच्छा अमाउंट तो था, अमाउंट क्या था हमारे पास? ये 1150 अमाउंट डाल दो, 11500 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपॉन में R कितना है? 3 एंड टाइम, ये R 5 है टाइम, ये। अब इसको काट के छोटा करो जरा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम में कटेगा। यहाँ पर क्या बचा? 11500 माइनस एक्स बच गया, इक्वल टू यहाँ पर 20x अपॉन का 3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 11500 माइनस एक्स इक्वल टू 20x। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो 00 35 15 5 31 3 1 4 और 3 1 3 माइनस का 3 का एक्स में करेंगे तो 3x इक्वल टू 20x। तो इसको उठा के इधर ले जाओ, 34500 इक्वल टू 20x प्लस का 3x, तो 34500 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23x। अब ये 23 से इसको काटोगे, अब ये पूरा कटेगा। देखो यहाँ से देखो 34500, एक मिनट थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, 23 से डिवाइड करेंगे 34500, करो जरा 23 कितना बचेगा? 1 और 1 और 5, 23 5 का कितना हो जाएगा? 115, 23 5 115। ये दो जीरो यहाँ से कट के, तो SI कितना आया हमारा? एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1500, और एक्स हमने किसके लिए रखा था? SI के लिए, तो SI कितना आ गया? 1500 हो गया। एक तो ये तुम्हारा बेसिक तरीका है, ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक करके ही आओगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिवाइड करने में समय लगेगा। तो इससे अच्छा एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, शॉर्ट तरीका, इसको हटाते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालेंगे। एक बात याद रखना हमेशा,
ऐसा ही जो ऐसा ही का अगर कभी आपको परसेंट निकालना है ना ऐसा ही परसेंट, तो आप क्या करोगे, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15%। ये 15% कितना है ऐसा ही, मतलब टोटल हमें कितना परसेंट देना पड़ा उसको, 15% देना पड़ा। अच्छा अब अमाउंट का परसेंट देख लो क्या होता है, अमाउंट का परसेंट जो होता है ना वो 100+ एसआई परसेंट, बात नहीं देखो एसआई कितना परसेंट हुआ, आर और टी को मल्टीप्लाई कर दो, एसआई का परसेंट आ जाएगा। आरुष क्यों लिख रहा है भाई, समझ जाएगा लिखने से, एसआई का परसेंट निकालना है तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, एसआई का परसेंट आ जाएगा, टोटल एसआई परसेंट टोटल, यानी कि ये जो हमारा 11,500 है ना इसमें 15% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, 15% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसमें। अब अमाउंट का परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 में एसआई का परसेंट प्लस करेंगे, और एसआई का परसेंट कैसे आएगा, आर प्लस टी से आएगा, तो टोटल अमाउंट परसेंट कितना हो गया, ये 100, एसआई कितना आया था 15, अब ये हो गया कितना, 115%। अगर मुझे ये पता चल जाता कि अमाउंट 115% है यहां पर, तो आ जाता आंसर, कैसे आता देखो, मान लेते हैं अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, अब परसेंटेज वाले चैप्टर में चलो वहां पे क्या बताया था, किसी का परसेंट दे रखा है और वैल्यू दे रखा है, कैसे करेंगे, उसके वैल्यू को उसके परसेंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो वैल्यू कितना है, ये है, और इसका परसेंट कितना है, 115 है, बस इतना चीज समझने के लिए मैंने ये लंबा बताया आपको थोड़ा। अब यहां से देखो, जैसे 11,500 को डिवाइड करेंगे 115 से, अब आप देखो आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है या ऐसा ही निकालना है बताओ, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो इसको। अब इसको देखो, अगर आपको ऐसा ही निकालना होता ना तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करते, करके देखो इससे ये कट गया, ये 100 इसका मल्टीप्लाई करो कितना आया, इससे पहले हमारा ऐसा ही कितना आया था, 1500 आया था, अब ऐसा ही 1500 आया, इसका मतलब प्रिंसिपल 10,000 होगा, 10,000 होगा, तो यहां से सॉल्व करो जरा इसको देखो, 100 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 10,000 भाई, प्लस नहीं करना है मल्टीप्लाई करना है। आप अगर इतनी सी बात समझ गए होते तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आ जाता आपका। अब देखो ये भी हटाते और सिंपल इसको देखने के लिए बनाते, देखो देखने में और सिंपल होगा, हमें पता चल गया कि मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, और कोई भी प्रिंसिपल कोई भी पैसा अपने आप में कितना परसेंट होगा, सिंपल सी बात है 100% होगा। अमाउंट 11,500 दे रखा है, ये कितना परसेंट है, 115, कैसे पता चला, क्योंकि 100 में एसआई का परसेंट प्लस कर दो। देखो ये जो हमारा वैल्यू है ये 115% की वैल्यू है, कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 15 और 100 में प्लस कर दो, कितना हो गया 115। प्रिंसिपल निकालना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई, बस काटो और हो गया आपका प्रिंसिपल, आ गया प्रिंसिपल, इतने शॉर्ट में हो सकता है। दूसरा आपको ये पता चल गया कि ये जो है 115, 11,500 जो है 115% है, क्यों, क्योंकि भाई प्रिंसिपल में एसआई का परसेंट प्लस कर देंगे तो अमाउंट का परसेंट आ जाता है। अब हमें निकालना है एसआई, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ, इससे इसको काटोगे 100 का मल्टीप्लाई, बस इतना सा काम है। देखो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर ये चीज भी लिख लेना, एसआई परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं रेट और टाइम का मल्टीप्लाई, और अमाउंट का परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं एसआई ये प्लस रेट एंड टाइम का मल्टीप्लाई, ये प्रिंसिपल का परसेंट, ये एसआई का परसेंट आपका निकल के आ जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट था भाई, प्रॉफिट लॉस क्या, PTRP लिख रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा, प्रिंसिपल और रेट लिखा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा जा रहा है, तो क्या होगा,